बनाएगी क्या सरकार आगे आप लोगों को सच्चाई को सामने लाने के? मैंने पहले ही कहा कि इसमें विधि विभाग से अभिमत लिया जा रहा है कि उसमें ऑप्शन क्या है, और इस बीच में मीडिया से जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया गया है। तो जब जांच पूरी नहीं हुई है इसलिए समय वृद्धि की मांग किया जा रहा है, और दूसरे तरफ राज्यपाल को सौंप दिया गया है, ये दोनों बात विरोधाभास है। इसका मतलब जांच पूरा नहीं हुआ, और जांच पूरा नहीं हुआ तो क्या आधा अधूरे रिपोर्ट सौंपा गया है, और वो भी मान्य पार्टी के विपरीत राज्यपाल को सौंपा गया। अभी तक के तो राज्य सरकार को सौंपा जाता है, पूरे देश में ही होता है कि सरकार को सौंपा जाता है, और सरकार है फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा पटल में रहते हैं, क्योंकि राज्य सरकार से रख भी नहीं सकता। आयोग की रिपोर्ट को ये बाध्यता है तो उसे विधानसभा के पटल में ही रखा जाता है। अब ये राजभवन भेजा गया, ये भी मीडिया के माध्यम से पता चला। अच्छा, आप कृषि बिल का विरोध किया कुछ देर पहले? मैं सहयोग कर दूँ, जांच कौन करेगा? जो गवाही से ना ये पूछताछ नहीं कर पा रही है, और जो भारत सरकार हमको जांच करने का अनुमति नहीं दे रही, फाइल हमको वापस नहीं कर रहे हैं, मैं बोल भी दूंगा तो जांच कौन करेगा? बताया उन बिंदुओं पे जांच करेगा ऐसे बयानों को कैसे देखे उन लोगों के? ये सीधा गुमराह करने वाली बात है। आखिर इस षड्यंत्र में कौन लोग थे? भाजपा और केंद्र सरकार और तत्कालीन राज्य सरकार के बैठे हुए लोग किसको बचाना चाह रहे थे? सवाल इस बात का है, क्यों जांच नहीं करने दे रहे हैं? इस आईटी जांच राज्य सरकार को जांच करने देने उनको तकलीफ क्या है? सवाल तो इस बात का है। मेरा सवाल आज भी है, ये नहीं है क्यों वापस नहीं करी जब फाइनल रिपोर्ट कर दी है, और अब ढकोसला क्यों कर रहे हैं कि हम बुला रहे हैं अभी जांच के लिए, किसी को नोटिस दे रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, क्या बढ़ा? 3 साल हो गया हमको लिखते, एक कदम बढ़े क्या? नहीं है, इसका मतलब ये है कि षड्यंत्र हुआ था, और ये लोग जानते हैं कौन है वो षड्यंत्रकारी जिसको ये लोग बचा रहे हैं।